वो वक्त भी और आज भी खिलाफत आपकी थी आपकी है। और अमीरुल मोमिनीन ने बरसरे मिंबर लाखों अफराद से मायत ली, लेकिन उससे पहले कत्ले उस्मान की जो वजूहत हुई उसमें माविया था जिसने कहा था कि आप मदीने में जो बंदी करें, अगर मदीने में आपकी हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आई तो मैं लाखों अफराद का लश्कर आपकी हेल्प के लिए मदीने लेके आऊंगा। मरवान और उस्मान इसी खुशफहमी में रहे कि माविया का लश्कर आएगा और हमें बचा लेगा। फिर उसका नतीजा क्या निकला? ना ये यहाँ से हिला, ना ये यहाँ से गया, और वहां उस्मान का कत्ल हो गया। कत्ल के बाद ये लोग अपने तौर पे उम्मीदवार थे। बीबी ऐशा जो के वहां पे मदीने में मक्के जाते हुए कह के गई कि इस नासर को कत्ल कर दो, नासर एक यहूदी का नाम है और उस्मान की दाढ़ी उससे मिलती थी, इसलिए उसको नासर के नाम से पुकारा जाता था। बीबी ऐशा खुद उसके कत्ल का फतवा दे के गई थी कि इसे कत्ल कर दो, चली गई और वो इस इंतजार में थी कि खिलाफत का फैसला लोग मुझसे लेंगे। लेकिन जब उन्हें मक्के में इतला हुई कि अहले मदीना ने मुतफिका तौर पे मौला अली को खलीफा पर हक और उसी जगह मिंबर रसूल पे बैठा दिया है जहां अली बैठने के मुस्तहक तो हकदार थे, तो ये वापस मदीने नहीं आई, वहीं से बसरे चली। यानी वो भी उम्मीदवार खिलाफत हुई, इधर माविया भी उम्मीदवार खिलाफत हुआ, और बहाना क्या बनाया? कसास से कत्ल उस्मान, जो उस्मान के कत्ल का कसास थी उसके लिए जंगे जमल हुई, 70 से 80 हजार मुसलमान कत्ल हुए, और उसके बाद माविया ने शाम में अपनी खुदसाख्ता हुकूमत कायम की और अपनी खुदसाख्ता विलायत और खिलाफत का ऐलान किया कि मुमलकत इस्लामिया का खलीफा, रसूल का दाद, रसूल का खलीफा मैं, जिसकी सरकूबी के लिए अमीरुल मोमिनीन 80 हजार अफराद का मुश्तमिल, बादल रवायत 1 लाख से ज्यादा अफराद का मुश्तमिल एक लश्कर लेके मदीने से चले, कूफे आए कूफे चले, शाम में सरकूबी ये माविया के लिए आए, 5 इससे हुई और उस जुमरे में ये जंगे सफीर हुई। आवाज कैसे हुआ वो भी पेश किए देता हूं, लेकिन ये सफीर एक हस्ती की पहचान बन गई, उस हस्ती को कहते हैं अब्बास इब्ने अली। अल्लाह, जब ये जंगे सफीन हुई थी अब्बास से अलमदार क्या सिने हयात 12.5 साल का था, और यहाँ पे वो जंग लड़ने नहीं आ रहे थे बल्कि लड़पन में जंग देखने आ रहे थे कि जंग होती कैसे है, उनको मुशाहदे के लाया जा रहा था। 5 हिस्से थे अली के लश्कर, मकदमतुल जैश, हरावल दस्ता, मैमना, मैसरा, साका और कलबे लश्कर। मकदमतुल जैश के सरदार थे मालिक अस्तर, साका पे उकबा बिन मिरकान, मैमना पे मोहम्मद हनफिया, मैसरा पे अबू अयूब अनवी, और कल्ब लश्कर में कल्ब तौहीद की धड़कन बन के खुद अली चले। पांच पांच मील का फासला था हर लश्कर के हर हिस्से में। मालिक अश्तर कूफे से लश्कर लेके सबसे पहले इसी रिक्का शहर में पहुंचे। ये रिक्का दरिया हम दरिया फरात का किनारा हम क्रॉस करके आए थे। यही वो जंग है जिस पे सबसे पहले जनाब मालिक अश्तर आए और ये दरिया फरात की घाटी पे उन्होंने अपने खैमे लगा दिए।
इराक और शाम की सरहदों को अक्सर अवकात यही दरिया तकसीम करता है जो मिस्र से चलता है, शाम से होता हुआ इराक की तरफ चला जाता है। इराक की साइड पे मालिकस्तर और दूसरी तरफ वो लोग पानी के किनारे पे दोनों लोग करते थे। माविया का मशीर खास उमर बिन आस जो 100 हरामजादों में से नंबर 1 हरामजादा था, बेशुमार, इसने रात के वक्त मकर किया, शोर मचा दिया कि दरिया टूट गया है, बंद टूट गया है, पानी आ रहा है, सलाब आ रहा है। मालिक मालिक थे, नबी और इमाम तो थे नहीं, समझे कि शायद दरिया टूट गया। उन्होंने दरिया के किनारे से अपने खैमे उखाड़े और दूर जाके लगाए। जैसे वो दूर हटे, मरवा अमर बिन आस ने शाम के लश्कर के साथ पानी पे कब्जा कर लिया, पानी पे कब्जा किया। इस जंग की यही सोचकर बताता हूं, और ये जंग पानी बंद हो गया और दूसरे दिन अमीरुल मोमिनीन अपने लश्कर के साथ पहुंचे। देखा तो मालिक परेशान है और आके कहते, या अली, आपके लश्कर पे हाकम श्याम के लश्कर ने पानी बंद कर दिया है। तो अली जलाल में कहते हैं, मालिक अगर पैसर हिंद जिगर खार ने मुझ ताजर मिर्जाते गिरदेगार को मौत के शिकार पे मजबूर किया है तो मेरा रास्ता छोड़, मैं माविया के बताता हूँ पानी पे कब्जा कैसे किया जाता। मालिक तस्बदस हद की, मौला मैं जो मौजूद हूँ आपको जहमत की जरूरत नहीं। अली फरमाते मालिक तो फिर कब्जा क्यों नहीं लिया। फरमाया सिर्फ अतिउल्लाह व अतिरसूल व उल अमर मिनकुम की आयत कुरान में न होती तो मैं हमला कर चुका था, क्योंकि साहिबुल अमर आप है, इसलिए आपकी इजाजत जरूरी थी। अली मुस्कुरा के कहते हैं, मालिक मुझे तुझ पर पूरे एतमाद है, तू ऐसा कर सकता है। सब्र करो, देखते हैं जंग का माहौल, फिर देखेंगे पानी पे कब्जा कैसे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने दुलदुल से उतरे और खैमे की तरफ चले तो जनाब मोहम्मद हनफी आ गए। बाबा जान चचा हनफिया को, चचा मालिक को आपने इजाजत नहीं दी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका मोहम्मद बेटा वादा करता हूं कि मैं सनाए यमन तक सरों का शामियाना बना दूंगा। इस अंदाज मेरी जंग होगी कि मैं सर उड़ाऊंगा सबके और पानी का कब्जा लूंगा। मालिक ने कहा था मौला इजाजत, मालिक इस तरह ने कहा मौला इजाजत दे तो मैं शाम के दारुल अमारा तक सरों का रास्ता बना दूंगा। और मोहम्मद अरफिया कहता मुझे इजाजत है, मैं शाम के दारुल अमारा तक सरों का शामियाना लगा दूंगा। अली ने मालिक से भी कहा ठहरो, मोहम्मद हनफिया से भी कहा ठहरो, और अपनी निशिस्त पे चल रहा फिकन हुए अली। अली पूरी तरह चल रहा फिकन नहीं हुए थे कि अली के कदमों में दो छोटे छोटे हाथ आए। जब अली ने देखा तो वह जनाब अब्बास थे जो बाबा के कदम बरसी कदम में कहते थे, बाबा जान चचा मालिक ने जो बात की वो दुरुस्त वो कर सकते, भाई मोहम्मद हनफिया ने जो कहा वो भी उनका दावा बर हक है, ये आपकी मर्जी कि आप उनको लड़ने की इजाजत नहीं दी। बाबा वो जर्नैल है आपके, एक सिपा सलार है, एक आपका बेटा है, तमाम हरम के असूल से वाकिफ है, जंगजू लोग हैं, आपने उनको इजाजत नहीं दी, आपकी मर्जी। बाबा उन लोगों का दावा कर देना का कोई बड़ी बात नहीं। बाबा मैं अब